हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों को बताऊंगा ये योनो ऐप से अपना बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट किस तरह से निकालते हैं। पूरा जानकारी आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। और गाइस, जितना भी इस चैनल में नया आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नया वीडियो अपडेट मिलता रहेगा। और गाइस, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए। अगर स्किप करोगे थोड़ा सा भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए फर्स्ट से लास्ट तक देखिए और आप भी सीखिए और अपना अकाउंट का स्टेटमेंट निकलाइए। चलिए आगे देखते हैं। आ गए मोबाइल स्क्रीन पर। सबसे पहले योनो ऐप्स पर जाना पड़ेगा, उसके बाद क्लिक करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर लॉगिन लिखा हुआ है, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपना लॉगिन पासवर्ड डालना है। मेरा अपना पासवर्ड लगाकर मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन होने के बाद इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले अकाउंट लिखा हुआ है, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद सीधा येरो कलर येरो दिखाई दे रहा है इसमें साइड पर, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। जितना भी ट्रांजेक्शन यहाँ किया हुआ रहेगा सब यहाँ पर दिखाई देगा। और यहाँ पर स्टेटमेंट देखने के लिए दो ऑप्शन है। देखिए, यहाँ एक पासबुक का जिसे दिखाई दे रहा है और एक यहाँ मैसेज का जिसे दिखाई दे रहा है। अगर जीमेल में देखना है होने से यहाँ पर मैसेज सिंबल दिखाई दे रहा है, उसमें क्लिक करना है। और पीडीएफ फाइल में देखना है होने से यहाँ पासबुक के जिसे दिखाई दे रहा है उसमें क्लिक करना है। चलिए मैं अभी पीडीएफ फाइल में मैं डाउनलोड करूँगा, यानी कि देखूँगा। मैं सबसे पहले दिखाई दे रहा है पासबुक के सिंबल, उसमें मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद इस तरह से आएगा और यहाँ पर दिखा रहा है, देखिए, फाइल डाउनलोडेड सक्सेसफुली इन फाइल स्टोरेज दिखा रहा है, इसमें डाउनलोड हो गया है बोलकर। अभी इसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, डाउनलोड हो गया है सक्सेसफुल। ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद काम हो गया। अब स्टेटमेंट, अपना बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट को डाउनलोड किया योनो ऐप्स पर जाकर, उसी को देखने के लिए अभी फाइल मैनेजर में जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे रहा है, उसमें क्लिक करता हूँ। उसके बाद इस तरह से जितना भी पीडीएफ फाइल रहेगा अपना फाइल मैनेजर पर, इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, दिखाने को मिलेगा। अभी मैं मेरा अकाउंट का स्टेटमेंट मैं देखूंगा, मुझे देखना है। सबसे पहले दिखाई दे रहा है अकाउंट स्टेटमेंट, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से ऑप्शन आएगा। उसके बाद यहाँ पीडीएफ लिखा हुआ है, देखिए रेड कलर का, उसमें मैं क्लिक करता हूँ देखने के लिए। देखिए इस तरह से आ जाएगा। और जितना भी आपका ट्रांजैक्शन किया हुआ रहेगा अपना बैंक अकाउंट पर, पासबुक पर, सब कुछ यहाँ आप देख सकोगे लाइव, बिना गए बैंक पर अपना मोबाइल से देखने को मिलता है, यानी कि देख सकोगे। इसी तरह आप भी देखिए अपना बैंक का स्टेटमेंट। गाइस, देख ही लिया किस तरह से अपना बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट घर बैठे निकलते हैं। इसी तरह आप भी निकलाए गए बिना बैंक। अगर इस वीडियो को देखकर अच्छा लगा होने से प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि हर किसी को पता चले।